हेलो फ्रेंड, मैं योगेश केशव अपने यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी विथ गार्डनिंग में फिर से एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर मेरे हर नए अपडेट्स को पहले। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करूँगा अयूर हर्बल सैंडल फेस पैक के बारे में, जिसमें कि मैं इससे एक फेस पैक तैयार करूँगा। मुल्तानी मिट्टी, कैलामाइट पाउडर, स्टार्च पाउडर और चंदन पाउडर इसमें मिले हुए हैं। और मैं इसे बनाने के लिए गुलाब जल का भी यूज़ करूँगा, डाबर का गुलाब जल और एक संतरे का, जिसमें मुझे बस 2 पीस संतरे की ज़रूरत है। तो आप इसे आराम से निकाल कर एक सूती कपड़े में डालें और इसका जूस अच्छी तरह से निचोड़ कर निकाल लें, ताकि इसके सारे बचे हुए भाग अंदर ही रह जाएं और जूस एक साफ बॉल में निकल जाए। और उसके बाद आपको लेना है अयूर सैंडल फेस पैक, लगभग 3 चम्मच, क्योंकि मैंने 2 पोटली जिसमें लिया है उसमें जूस लगभग 3 चम्मच के बराबर ही होगा। और आप अयूर सैंडल फेस पैक ले लीजिए, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, और इसे अच्छी तरह से मिला लें। और मिलाने के बाद इसमें लगभग आधा चम्मच गुलाब जल डाल लें और ये फेस पैक तैयार हो जाएगा। देखिए दोस्तों, मैं इसमें अयूर सैंडल फेस पैक ले चुका हूँ, डाबर की गुलाबरी गुलाब जल भी यूज़ कर लिया और ये फेस पैक तैयार है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं इसका रिव्यू और डेमो आपको दिखाता हूँ और देख के बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। फ्रेंड्स, ये फेस पैक बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए, तो प्लीज़ इसे देखें। कोशिश रहे कि जब आप इस फेस पैक को लगा रहे हैं तो ये आपके आईब्रो में ना लगे और आँख बंद हो, या फिर आप कॉटन को खीरे के रस में भिगोकर आँख पर रख ले, या फिर गुलाब जल कॉटन में लगाकर आँख पर रख ले, इससे आपकी आँखों को भी काफ़ी फ़ायदा पहुँचेगा और आराम मिलेगा। फ्रेंड्स, मेरे पास भी खीरे नहीं थे तो मैं इस कॉटन में गुलाब जल का यूज़ करके आँख में रखा हूँ। और आप फेस पैक लगाने से पहले ही इसका यूज़ करें। तो 26 मिनट बाद आप देख सकते हैं दोस्तों, ये एकदम फट गया है, इसमें दरार आ गई है, ये बिल्कुल सूख चुका है। कुछ मात्रा में तो ये खुद भी झड़ जाएगा। और कोशिश करें आप गीले कपड़े से, सूती के कपड़े से इसे
निकालें और जहाँ तक पॉसिबल हो इसे हाथ से भी छुड़ा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मैं जहाँ जहाँ इसे रिमूव कर रहा हूँ वहाँ वहाँ एक अलग शाइनिंग है, और ये काफ़ी हल्के हाथों से इसे मैं छुड़ा रहा हूँ। और उसके बाद आप कॉटन बॉल में गुलाब जल लेकर इसे आप साफ़ कर सकते हैं और सब जगह लगा सकते हैं, क्योंकि ये आपके मॉइस्चराइज़र को बनाए रखेगा। और इसे थपकियां मारकर कोशिश करें चेहरे पर ही सुखा दें। फ्रेंड्स, आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, और ये इन्फॉर्मेशन उन लोगों तक भी पहुंचाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।